हेलमेट जरूर है, ओवेस लेवल 2 का है, अच्छे खासे गियर्स भी है उनके पास। एमजे काफी ज्यादा पीछे अपनी टीम से, आई गेस फनेटिक की स्क्वाड रोटेट कर चुकी है, वो फाइट लेने के मूव में बिल्कुल फुल की स्क्वाड बिल्कुल मत में है, फाइट करेगी वो बट नहीं, बॉटल डाउन होते हुए एलियन तक काफी ज्यादा डैमेज होते हुए रहेगा जो उसका लोड और दोनों को डाउन किया, मेबी फिनिश भी करेंगे बट नहीं, एल्यूजन को शायद पीछे से पड़ा, यस बिल्कुल स्काउट ने पीछे से शॉट दिया एल्यूजन को, बट मॉडल और वाइपर रेगल टोस डाउन और सोल की स्क्वाड वाइप हो गई। ये कुछ अलग सिचुएशन देखने को मिला, 4-4 किल सेल्स स्क्वाड पे, बट पीछे से एल्यूजन को नॉक किया था स्काउट ने, सबसे में बॉम्ब भी है, अगर रिलोड हुई तो स्विच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एमजी की बात करें उनको पता है पीछे से बाकी सारे मेंबर्स रोटेट करेंगे, और ओएस को डाउन किया एमजे, रौनक जस्ट सामने है, ओएस को रिवाइव किया जाएगा, एमजी की बात करें तो फेक करने की कोशिश कर रहे हैं, रौनक कवर नहीं किया ओएस को, बट नहीं पीछे से शॉट करता हुआ आतंकी ऊपर से कूदे डाउन किया रौनक को, परितोष ने डाउन किया आतंकी को, परितोष डाउन करेंगे, अच्छा ड्रॉप शॉट एमजे बचे हुए अकेले से, एक बार फिर से ड्रॉप शॉट बट नहीं, इस बार 3 मेंबर डाउन हो चुके हैं, स्काउट को जल्दी ही आना पड़ेगा, काफी ज्यादा दूर है, 3 मेंबर डाउन हो चुके हैं फैनेटिक के, 2 डाउन है, 1 फिनिश भी हो चुके हैं, रौनक की बागी ये फिनिश किया तो टोटल 8 किल उनके पास होंगे, नेड आया है बहुत ज्यादा क्लोज नेड, और शायद डाउन हो सकते थे, ओवेस की एचपी काफी ज्यादा कम, रिवाइव नहीं कर पाए और ओवेस इसी के साथ ब्लीड कर जाएंगे, 2 मेंबर्स फैनेटिक के डाउन होते हुए, रैंडम स्मोक स्काउट का कर चुके हैं, ओएस को फिनिश किया ओके सेंटर से द्वारा, और इसके बाद एमजे अकेले बचे हुए, स्काउट दूसरे साइड जाते हुए, एमपी काफी ज्यादा कम है बट क्लच किया अपनी टीम के लिए, अकेले बचे बट बढ़िया क्लच, 3 होते हुए डार्क के द्वारा, जीगोट एक बार फिर से डाउन होते हुए लीजन के द्वारा, सीजी डाउन और फिनिश भी हो जाएंगे, गब्बर के द्वारा 7 फिनिश हुए, डाक के द्वारा एंटिटी के 2 मेंबर्स ऊपर चढ़ चुके हैं, रॉक्स अकेले फंस चुके हैं यहाँ पे, उसी का शॉट देता हुआ नियो को डाउन किया, बढ़िया उजी का स्प्रे आता हुआ, घातक ऊपर साइड डस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, पूरा स्प्रे दिया, रिलोड हुआ गन नीचे के साइड में गए, आतंकी की बात करें अभी भी काफी ज्यादा दूर है, जल्दी क्लोजिंग करना पड़ेगा सेल्स के मेंबर को, यस बिल्कुल इल्यूजन रश करते हुए और शायद अब ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, घातक भी डाउन होते हुए फिनिश करेंगे घातक को, नियो शायद फिनिश हो चुके हैं, ओके नहीं नियो बचे हुए, क्लच गॉड अंदर के साइड पे अकेले बचे हुए, क्लच गॉड एंटिटी की स्क्वाड इसी के साथ, यस बिल्कुल फ्रॉस्ट स्पॉटेड है जस्ट सामने लेटे हैं, मैं इसी की बात कर रहा था, 2 शॉट और फ्रॉस्ट नॉक्ड हुए, आईटी प्रिंस और गब्बर की बात करें तो रिवाइव करेंगे उनको, जोन क्रॉस करना है हर हालात में, और सेल्स की स्क्वाड जोन पहले से ही पकड़ के बैठी हुई है, 7 एस ट्रिगर डाउन होते हुए टेम्पेस्ट के द्वारा 4 किल निकाले हैं एल्यूजन की टीम ने, सेल्स स्क्वाड ने, और अब ब्रिज की तरफ रश करते हुए सेल्स स्क्वाड, मे बी ब्रॉलर्स के लिए एक पूरा सपने की तरह हो सकता है ये, रश कर चुकी है पूरी तरीके से, रॉक सबसे आगे, गब्बर जस्ट सामने, मे बी अकेले फट सकते हैं, देखना पड़ेगा, 1v4 सिचुएशन है रॉक्स के लिए, एल्यूजन कवर के लिए आएंगे, ईटीजी ब्रॉलर्स की टीम फट सकती है, 3 के 3 मेंबर रश कर चुके हैं, फ्रॉस्ट काफी ज्यादा डैमेज होते हुए, एल्यूजन की गाड़ी आई गेस नेड उनके पीछे जस गिरा, फ्रॉस्ट डाउन हुए, एल्यूजन बहुत ज्यादा डैमेज, डार्क की बात करें तो अभी भी फुल एचपी पे, एल्यूजन नेट का शिकार, आईटी प्रिंस के द्वारा नॉकआउट फिनिश किए जाएंगे, नहीं देखना पड़ेगा, पीछे से शॉट पड़ता हुआ 2 मेंबर्स डाउन हो चुके हैं ईटीजी ब्रॉलर्स के, रॉक्स की बात करें उजी रिलोड करेंगे, 7S ट्रिगर डाउन नारुतो के द्वारा, आईटी प्रिंस अकेले बचे हुए अपनी टीम से, नहीं देखना पड़ेगा बट नहीं, रॉक्स डाउन होते हुए ईटीजी ब्रॉलर्स इसी के साथ एलिमिनेट हो सकती है, आईटी प्रिंस अकेले बचे हुए अपनी टीम से, आतंकी 1 HP पे है और 1v1 का सिचुएशन, ईटीजी ब्रॉलर्स इसी के साथ होता हुआ, नेड आया काफी ज्यादा क्लोज, आतंकी डाउन होते हुए नारुतो के द्वारा ऊपर से पकड़ा उनको, एल्यूजन भी डाउन, रॉक्स ने डाउन किया नारुतो को, स्काई आई गेस 1 HP पे बचे हुए, हेल्थ उनकी दिखाई नहीं दे रही है, सेल्स की स्क्वाड ने 2 मेंबर्स को लगभग डाउन कर दिया था, 0° द ड्यूट की बात करें तो डाउन और फिनिश दोनों हो गए, त्रिलोक अकेले बचे थे अपनी टीम से और निकल गए, सेल्स के मेंबर्स रिवाइव करेंगे अपने मेंबर को, सेल्स रॉक यहां पे डाउन होते हुए, ब्लेजी फिनिश हो जाएंगे ऑनकोर के द्वारा, एल्यूजन भी डाउन, ओके आतंकी डाउन, एल्यूजन बचे हुए, आई गेस 1v1 का सिचुएशन, ओके बढ़िया नेड, इनसेन की स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए, आई गेस नॉकआउट करके मे बी कल कंफर्म किया जा सकता है, आतंकी अभी भी प्रोन्ड है, मेगा की स्क्वाड ऊपर के साइड है, हाई रेंज एडवांटेज है मेगा पे, एल्यूजन भी डाउन होते हुए, आतंकी अकेले बचे हुए, 1v1 का सिचुएशन, त्रिलोक प्ले जोन के बाहर डैमेज लेते हुए, दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज है, और इसी के साथ चिकन डिनर फॉर मेगा स्क्वाड विद मेगा अक्षत सेल्स का स्क्वाड लीडर आत्मा टेन सी एंड वर्सेस एनटीजी के बीच में, एंड एनटीजी नियो यहां पर डैमेज देने की कोशिश, एनटीजी नियो लेफ्ट से भी डैमेज कर रहे हैं, एंड अक्षत से डैमेज नॉक आउट कर सकते हैं, एंड नियो यहां पर एक बंदे को
almost knocked and gun switch करने का timing यहाँ पर Neo knockout हो चुके हैं and Dead God यहाँ पर अपने team की forward जिन्हें आ रहे हैं Neo उधर पूरा cleared out हो चुका है. Dead God अपने team से last बंद है NTD से and उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है. Celtz उसको down करते हैं. Celtz का score इधर आके NTD score करने में दो बंदे Neo and God clear कर चुके हैं and 10 से जो यहाँ पर अभी पहले से hold कर बैठे हैं वो अभी भी hold कर बैठे हैं 10 से यहाँ पर push करते हैं क्योंकि सामने Celtz के बंदे knock कर रहे हैं and इधर MJ का बहुत ही प्यारा M249 prepared यहाँ पर Ignite को knock करते हुए and Ignite यहाँ पर नेट से भी damage खा चुका है. निजाम उधर 50 HP से कम है without any waste and भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल situation अपने ऊपर आ चुका है. टेंशन के ऊपर HP down. निजाम बचे हैं. निजाम क्या यहाँ पर क्लच कर सकता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है and Celtz आकर यहाँ पर दो स्क्वाड को क्लियर करते हैं और एक स्क्वाड है जो बिजी हो चुका है. कैरी इल्यूशन ने उधर स्मोकी को नॉक आउट कर दिया. रॉक्स उधर लेफ्ट की तरफ है. अभी कैरी को मूवमेंट देना पड़ेगा अंदर की तरफ एंड MJ उधर है. स्पॉटेड है कैरी की तरफ से एंड MJ भी शायद कैरी को स्पॉट करके रखा है. अभी अगर RSN का स्क्वाड इस पोजीशन में थर्ड पार्टी करते हैं तो गॉड लाइक के लिए बहुत मुश्किल है. M249 फाइट है इस पोजीशन में. कैरी वर्सेस MJ एंड गिल को भी नॉक आउट बाय कोल्ड ब्लेड एंड क्लियर आउट कर दिया जाएगा शायद. एंड गॉड लाइक का स्क्वाड इधर डाउन एक ऊपर एक नीचे लेकिन उसके ऊपर कुछ स्मॉल ही नहीं है एंड इधर रॉक्स के ऊपर चलते हैं. MJ और वो चलाया जा रहा है लेकिन वो डाउन हो चुका है. जो रॉक्स को पता है वो हिल बैटल नहीं कर सकता. गोल्ड बैट को वो नॉक आउट करते हुए क्लियर आउट कर सकता है वो किल एंड ऊपर जाते हुए यहाँ पर 1v2 सिचुएशन है. उसको चला जाना चाहिए इस पोजीशन में. अगर हिल अप करने देगा तो उसके लिए ही मुश्किल है इस पोजीशन में एंड वो पीछे जाते हुए एंड डेस्ट्रो ऊपर से आते हुए एंड नीचे अपने टीम में डेस्ट्रो के इधर जो नॉक पड़ा था उसको रिवाइव दिया जा चुका है. रॉक्स उधर यूजली रिलोड कर चुका है एंड किसी को नॉक आउट कर सकता है क्या? नहीं नहीं. एंड RXN गॉट द चिकन डिनर. नहीं नहीं प्रूफ करना है. सेल्स क्या सेल्स स्क्वाड है अपने चुम्मा उधर अपना चुम्मा जो उधर थी है वैसा खेलो भाई. वो होता है आके फिर सीधा इम्पैक्ट कि भाई हमारे भी औकात है ब्रो. वो होता है प्लेयर आओ सीधा इम्पैक्ट डालो दिखाओ प्लेयर्स कैसे होते हैं. बन बन करने का कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई. वो होते प्लेयर भाई जो आके से प्रूव इंस्टेंट प्रूव भाई. दो दिन में बंदों ने दिखा दे बेंचो हम लोग के औकात क्या है. क्या मतलब उनका भाई डेब्यू बेस्ट अभी तक T1 में. क्या क्या डेब्यू भाई. आज डिनर उन लोग निकाला था 14 किल. एनटीटी वाइप सोल वाइप भाई बहुत प्यारा गेम खेलते हैं उन लोग का. उनका गेम हैट्स ऑफ. अच्छा खेल भाई इंप्रूव करेंगे तो खेलेंगे. अबे सही में वैसा होना चाहिए प्लेयर ना भाई. आओ इंपैक्ट डालो अपना भाई दिखाओ कि व्हाट वी आर वर्थ ऑफ. इधर वालों को तो डायरेक्ट स्लॉट चाहिए. हां इधर का सीधा. अरे स्लॉट दे स्लॉट. अबे बहुत टूट गया चल ना. मैं तो निकल रहा गाड़ी के लिए. सेल्स स्क्वाड एकदम क्लास भाई. वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स.